हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास ट्वेल्थ की मैथ में इस समय हम सब लोग उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट बालाजी प्रकाशन से स्टार्ट किए हैं। और उसके पहले वीडियो में हम सब लोगों ने ये देखा कि उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट फलन क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होना शुरू करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी देखा कि उच्चिष्ट बिंदु निम्निष्ट बिंदु क्या होते हैं, उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान किन से निकलता है, कौन बताता है। तो एक बार रिवीजन करा रहे हैं। अगर कहीं उच्चिष्ट बिंदु की बात कर रहा है, उच्चिष्ट मान की बात कर रहा है, तो वहाँ पर एक्स और वाई ही निकालना। अगर उच्चिष्ट बिंदु कह रहा है निकालिए, उच्चिष्ट बिंदु निकालिए, तो यानी कि वो हुआ हमारा एक्स। अगर उच्चिष्ट मान निकालने को कहे तो वो होता है हमारा वाई, ठीक है। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से YouTube चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं मैक्सिमा तथा मिनिमा के पार्ट सेकंड में, और जिसकी शुरुआत हो रही है एक्सरसाइज 11.1 यानी 11.1 के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स के किन मानों के लिए फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ट है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, दूसरा है फोर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब, और जो तीसरा है वो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स। अभी हम केवल तीन देखते हैं, फिर आगे जो है देखेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहला सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का हमने बताया था, सबसे पहले हमको निकालना है डेरिवेटिव। तो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंटिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, हम मान लेंगे ये जो फलन हमारा है वो किसके बराबर है, वाई के बराबर है। ये फलन हमारा किसके बराबर है, वाई के बराबर। किसके बराबर है, वाई के बराबर। तो एक्स के सापेक्ष वाई में अवकलन क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर एक्स क्यूब का होता है थ्री एक्स स्क्वायर, और माइनस लगा माइनस टू एक्स स्क्वायर, टू तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का होता है टू एक्स, और दो दूनी चार एक्स हो जाएगा, और एक्स का होता है वन और सिक्स का होता है जीरो, ठीक है। वन में जीरो ऐड करेंगे तो वन आएगा, तो जीरो लिखने से कोई मतलब नहीं है। अब हम मैक्सिमा और मिनिमा बिंदु निकालने के लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसके लिए डी डी एक्स ऑफ वाई प्रतिबंध क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ वाई का मान जीरो होता है। कभी भी उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु निकालना रहता है तो वो हमेशा एक्स अक्ष के समांतर होता है, और एक्स अक्ष के समांतर रेखा की जो प्रवणता होती है, ठीक है, उस बिंदु का स्पर्शी जो होता है वो बताया था, वो जीरो होता है। तो ये फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो होता है। तो ये हमारा जीरो हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस का वन, ठीक है। तो यहाँ से हम हल करेंगे अगर इसे, तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक का अचर पद से गुणा, ये द्विघात समीकरण बन रहा है। तो तीन इक्कन तीन, तीन का फैक्टर निकालो, जोड़ने घटाने पर चार आवे, तो तीन इक्कन तीन, तीन और एक जोड़ेंगे चार, तीन और एक का गुणा तीन होता है। तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स माइनस का एक्स और प्लस का वन इक्वल में कितना है, जीरो। इनका खंड करके कामन लेंगे तो क्या कामन, इसमें थ्री एक्स कामन है, तो बचा क्या एक्स माइनस वन, यहाँ माइनस का चिन्ह काम है, माइनस का दोनों में कुछ कामन नहीं, तो वन कामन है, चिन्ह माइनस बाहर चला गया, तो एक्स पॉजिटिव और वन क्या हो जाएगा अंदर, निगेटिव। इन दोनों खंडों में कामन क्या हमारे पास है, एक्स माइनस वन। अब बचा कौन अंदर, 3x माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। अगर हम यहाँ से निकालेंगे वैल्यू x की तो 1 आएगी, और जो दूसरी आने वाली है तो वो x की वैल्यू आने वाली है, जब इसके इक्वल 0 रखेंगे तो 1, इसके इक्वल रखेंगे तो 1 बाई 3 हो जाएगा। तो ये हमारे मिल गए उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट बिंदु। अब ये एक और एक बटे तीन पर मान जो हमारा है फलन का, वो उच्चिष्ट आ रहा है या निम्निष्ट आ रहा है, उसके बारे में हम अब देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम करते क्या है, हमेशा सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं, अगेन डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
दोबारा, ठीक है, अगेन डिफ्रेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई का सेकेंड डेरिवेटिव डी डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई, थ्री एक्स स्क्वायर का तीन दूना छः एक्स और माइनस फोर एक्स का फोर हो जाएगा, माइनस का एक्स का वन और वन का जीरो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम मान निकालेंगे इनके। सेकेंड डेरिवेटिव का चिन्ह देखते हैं कहाँ पर, जो हमारे x के मान आए, x के कौन से मान आए हैं, दो मान आए हैं, एक 1 आया है और एक आया 1/3। तो सबसे पहले 1 पर हम चेक करेंगे कि इसका चिन्ह क्या है, वैल्यू रखेंगे तो 6, x का मान कितना है 1 है, माइनस का 4, हल करेंगे तो कितना आएगा 2। दो कैसा चिन्ह आ रहा है, आगे देखो सेकेंड डेरिवेटिव का चिन्ह पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब x बराबर 1 पर फलन क्या है, पॉजिटिव के लिए आता है जब, तो निम्निष्ठ होगा, क्या है ये, निम्निष्ठ है। तो x के किन मानों के लिए फलन उच्चिष्ठ या निम्निष्ठ है, तो पहला हमारा मिल गया x बराबर 1 पर जो हमारा फलन fx है यानी y है वो निम्निष्ठ है, क्योंकि इसका सेकेंड डेरिवेटिव का चिन्ह कैसा आ रहा है, इसके लिए पॉजिटिव आ रहा है। अब चलिए अगला वाला देख लेते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव में अब की बार हम x का जो हमारा दूसरा मान बचा है जो कि क्या है 1/3, वो रखेंगे x बराबर 1/3 पर, हल करेंगे तो 6 गुणा x का मान 1/3 माइनस का 4, 3 दूना 6, 2 प्लस का 2 इक्कन 2 प्लस का 4 माइनस का 2 बचा कितना -2 आया, और -2 कैसा चिन्ह है इसका, देखो सेकेंड डेरिवेटिव का माइनस का है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं x बराबर 1/3 पर फलन जो दिया गया फलन है ये क्या है, निगेटिव आ रहा है तो उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट होगा। तो यहां पर फलन का मान अधिकतम होगा, ज्यादा होगा, न्यूनतम कहां पर होने वाला है, न्यूनतम x बराबर 1 पर होने वाला है। रख के देखेंगे तो फिर ये x बराबर 3 रखेंगे तो ये हमारा उच्चतम मान मिलेगा फलन का, क्योंकि ये उच्चिष्ट है, x बराबर 1 के लिए निम्निष्ठ है, तो निम्नतम मान क्या हो जाएगा, y बताएगा हमें 1 रखने पर, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, y के इक्वल मान लेंगे 4 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफ्रेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 4 का 0, x का 1, x स्क्वायर का 2x, x क्यूब का 3x स्क्वायर, यानी ये कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 1, लिख सकते हैं ना ऐसे, ठीक है। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, चलिए हम सेकेंड डेरिवेटिव भी ले रहे हैं, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन दोबारा करेंगे डिफरेंटिएशन, तो ये कितना हो जाएगा डी टू डी एक्स टू ऑफ y, ये हो जाएगा माइनस का 3 दूना 6x और माइनस का ये 2, x का 1, 1 का 0, ये हमारा मान ऐसे रखा रहने दीजिए, इसकी लास्ट में ज़रूरत पड़ने वाली है। पहले हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए प्रतिबंध क्या है, प्रतिबंध है कि d dx ऑफ y जो होता है वो 0 होता है। अगर हमको x की वैल्यू चाहिए तो d dx ऑफ y जैसे हम वर्धमान ह्रासमान में रखते थे वैसे इसमें रखना है, तो रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0, माइनस से अगर हम गुणा करा देंगे दोनों पक्षों में तो ये 3x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 2x भी पॉजिटिव हो जाएगा, 1 हो जाएगा निगेटिव, इक्वल में ये तो 0 ही रहेगा। अब x स्क्वायर के गुणांक का अचर पद से गुणा तो ये कितना हो जाएगा, 3 इक्कन 3, हल करेंगे तो ये कितना आएगा, 3x स्क्वायर, 3 का फैक्टर निकालना जोड़ने घटाने पर 2 आवे, 2 धनात्मक लेना है तो 3 इक्कन 3, 3
का एक से गुणा कराएंगे तो तीन आ भी रहा है, और तीन में से एक घटाएंगे तो दो बचेगा भी। दो कैसा लाना? पॉजिटिव। तो बड़ी संख्या पॉजिटिव और छोटी संख्या निगेटिव, और माइनस का वन इक्वल टू जीरो। हल करेंगे यहाँ से तो ये कितना आएगा, दोनों में कामन क्या है, इस इधर थ्री एक्स कामन है, बचा क्या एक्स प्लस वन, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, माइनस लिख देंगे, दोनों में कामन कुछ नहीं तो वन कामन है, माइनस बाहर निकल गया तो दोनों के चिन्ह पॉजिटिव हो जाएंगे। अब एक बार एक ब्रैकेट में x प्लस वन हो जाएगा, दूसरी बार दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ? अच्छी बात, मजा आ रहा है। देखिए, एक केवल यही पैटर्न है, सभी क्वेश्चन में यही पैटर्न लगाना है। एक बार x प्लस वन के इक्वल में जीरो रखेंगे तो x का मान माइनस वन आएगा, और एक बार 3x माइनस वन के इक्वल में जीरो रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, 3x बराबर वन और x बराबर वन बाई थ्री। ये हमारे x के मान आ गए, इन्हीं को कहा जाता है उच्चिष्ट या निम्निष्ट बिंदु। अब हम क्या करते हैं, ये मान जो है हम सेकेंड डेरीवेटिव में रखते हैं। अब हम सेकेंड डेरीवेटिव में ये मान रखते हैं, तो सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई, पहला क्या है मान, x बराबर माइनस वन है, माइनस वन पर चेक करेंगे कितना है सेकेंड, ये सेकेंड डेरिवेटिव माइनस छः गुणा एक्स का मान कितना हमारे पास आया, माइनस वन, माइनस वन, और फिर माइनस का टू है, यही है ना सेकेंड डेरिवेटिव, माइनस का टू। हल करेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस का छः कन छः माइनस का दो बराबर में कितना है चार, जो कि क्या है हमारा पॉजिटिव है, यानी एक्स बराबर माइनस वन पर फलन पॉजिटिव आ रहा है ना सेकेंड डेरिवेटिव, यानी निम्निष्ट है, फलन निम्निष्ट है। अब आगे देखेंगे जो अगली वैल्यू हमारी है कितनी है, एक्स बराबर वन बाई थ्री, यही है ना, इस पर चेक करेंगे तो माइनस का छः गुड़ा माइनस छः एक्स माइनस दो, एक्स का मान एक बटा तीन माइनस दो, तीन इक्कन तीन, तीन दूनी छः, माइनस दो और माइनस दो माइनस का चार हो रहा है, जो कि क्या है निगेटिव है। निगेटिव का मतलब क्या हुआ, एक्स बराबर थ्री पर फलन जो है, फलन उच्चिष्ट है। निगेटिव चिन्ह हमेशा उच्चिष्ट को प्रदर्शित करता है। मान निकालने इनके तो वन बाई थ्री का उच्चिष्ट मान आएगा और फोर रखने पर निम्निष्ट मान आएगा। अब चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वाई इज इक्वल्स टू कितना है, एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का नाइन एक्स। क्या करेंगे हम, डिफ्रेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आने वाला है, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का तीन दूनी छः एक्स माइनस का नौ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगेन डिफ्रेंटिएशन करेंगे, अगेन डिफ्रेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तब हमको सेकेंड डेरिवेटिव इसका मिलेगा, कितना आने वाला है, तीन दूनी छः एक्स माइनस का छः, एक्स का वन होता है, वन कोई मतलब नहीं, माइनस नौ का जीरो हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। और मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम करते क्या हैं, मैक्सिमा मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करते हैं, जो हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इसको क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं, रखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई हमारे पास कितना है, देखो थ्री दोनों में सब में कॉमन है, थ्री बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का तीन दूनी छः तीन तरह की नौ बराबर में जीरो, तीन जीरो के बटे में लाएंगे ये तो ख़त्म हो जाएगा। अब इसका फैक्टर वन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक वन है तो वन का थ्री से मल्टीप्लाई थ्री वन जब वन होता है, अब तीन का खंड ऐसा करना कि जोड़ने घटाने पर दो आवे, तो तीन इक्कन तीन, तीन में से एक घटाएंगे तो दो बचेगा, तो एक्स स्क्वायर दो काहे का लाना, माइनस का, तो बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की, वन एक्स वन लिखो चाहे ना लिखो, माइनस का थ्री इक्वल टू जीरो।
अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉमन एक्स कॉमन आएगा, तो एक्स माइनस थ्री अंदर बचेगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस लिखेंगे, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो वन कॉमन है, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स माइनस थ्री और यहाँ पर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, x बराबर हम देखेंगे कौन से मान आ रहे हैं, एक तो आ रहा है जब थ्री एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x का मान थ्री आएगा, x प्लस वन जीरो को इक्वल रखेंगे तो x का मान माइनस वन आएगा, ये हमारे मान हो गए। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव की क्या निकालते हैं, चिन्ह निकालते हैं इन्हीं मानों पर। सेकेंड पहला x बराबर थ्री पर निकालेंगे, क्या आ रहा है चेक करेंगे, तो छः एक्स का मान कितना देखो लिया हमने, थ्री लिया माइनस का छः, तो छात्रिक अट्ठारह में से छः घटाएंगे बारह बचेगा, और बारह क्या है पॉजिटिव है, यानी एक्स बराबर थ्री पर फलन फलन यानी एफ एक्स क्या है पॉजिटिव आ रहा है सेकेंड डेरिवेटिव, तो यानी निम्निष्ठ है, निम्निष्ठ ठीक है। और जो अगला है हमारा वो भी चेक कर ले रहे हैं, तो सेकेंड डेरिवेटिव का चिन्ह कहाँ पर चेक करना, अब की बार एक्स बराबर माइनस वन पर चेक करना है, तो छः गुड़ा एक्स का मान माइनस वन माइनस का छः, तो छः एक छः माइनस का छः माइनस का कितना हो गया बारह, और माइनस का बारह यानी कि ये कैसा मान आया है सेकेंड डेरिवेटिव का, निगेटिव, और निगेटिव मान क्या प्रदर्शित करता है किसको, उच्चिष्ट को, तो एक्स बराबर माइनस वन पर फलन उच्चिष्ट है या उच्चिष्ट होगा, यही बन जाएगा इसका आंसर ठीक है। ये सभी इसके आंसर, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा ठीक है। आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। कह रहा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, यहाँ पर x क्यूब है, x क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस वन, इसको हम किसके इक्वल मान लेते हैं, y के इक्वल मान लेते हैं, और जो पांचवा हमारा x की पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स, इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फोर को सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे डिफ्रेंटिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x ठीक है। तो y का क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y, x क्यूब का क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, और टू कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर का टू एक्स, तो दो दूना चार एक्स, और प्लस का छः, वन का जीरो हो जाएगा ठीक है। हम यहीं पर सेकेंड डेरिवेटिव भी ले लें, अगेन डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सेकेंड डेरिवेटिव डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई इज इक्वल्स टू तीन दूना छः एक्स और प्लस चार इक्कन चार एक्स ठीक है, और छः का तो जीरो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, प्रतिबंध क्या होता है मैक्सिमा मिनिमा का, क्या होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा जीरो रखा जाता है, क्या फर्स्ट डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस का सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो छात्रिक अठारह, अठारह का फैक्टर निकालना है जोड़ने घटाने पर कितना आवे, चार आवे, तो ऐसा तो कोई बन नहीं पाएगा है ना, अठारह के दो फैक्टर निकालने, सबसे पहले अट्ठारह इक्कन अट्ठारह है, दूसरा है नौ दूनी अट्ठारह, और तीसरा छात्रिक अट्ठारह, और बाकी इनके उल्टा है, इनमें किसी को भी जोड़ने या घटाने पर चार नहीं आने वाला ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, श्रीधराचार्य, क्या होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और अपॉन में टू ए, यही होता है ना, ये हमारा प्रायः ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है, चिन्ह के साथ लिखा जाता है। तो एक्स बराबर माइनस बी यानी माइनस चार प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी चार का स्क्वायर सोलह माइनस फोर ए सी, चार ए सी
त्रिक 18, 18 चौक 72 और बटा 2a का मान कितना है 3। तो x बराबर माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट में घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, माइनस का 56 बचेगा, ठीक है, और बटे में 2 3 6। अच्छा, इन सभी में कामन कुछ आने वाला है, 56 14 चौको 56 होता है, ठीक है, तो 4 का रूट निकालेंगे तो वो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर कितना बचेगा, माइनस का 14 और बटे में 6, तो 2 कामन लेकर के कैंसिल कर देंगे तो x का मान हमारे पास कितना आया, माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का 14 और बटे में कितना है 3 है। और ये कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या है, कौन सी संख्या है, काल्पनिक, ठीक है, ये वास्तविक तो है नहीं। और हम क्या पढ़ रहे हैं, रियल नंबर फंक्शन। यहाँ पर x किसे बिलोंग्स कर रहा है, देखिए x इमेजिनरी नंबर को बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, और x किसे नहीं बिलोंग्स कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ठीक है, और x के हम रियल नंबर फंक्शन पढ़ रहे हैं, यानी रियल नंबर हमको लेना है और रियल नंबर वाली वैल्यू ही हमको मिली। तो हम कह सकते हैं x के किसी भी मान के लिए फलन ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ है। x के किसी भी मान के लिए फलन ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ, बस यही लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, डिफरेंटिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन डी डी एक्स ऑफ वाई, एक्स की पावर 4 का क्या होता है 4x³, और 3x³ का 3 तरह की 9x² और 3 × 6x और माइनस का कितना है 7x⁻¹ और 6 का 0। यहाँ पर हम सेकेंड डेरिवेटिव भी ले रहे हैं, अगेन डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव भी ले रहे हैं, कितना आने वाला है d2 dx² ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 × 12x² और 9 × 2 = 18x और 6 × 1 = 6, 7 का 0, ठीक है, x का 1 हो जाएगा तो 6 × 1 = 6। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव यानी डी डी एक्स ऑफ वाई क्या रखा जाता है, 0 के इक्वल होता है, प्रतिबंध है ये, तो 4x³ 9 प्लस का 9x² और −6x − 7 = 0। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये x के किन मान के लिए ये जो है 0 होगा, तो x बराबर 0 रखेंगे तो 0 आएगा नहीं, x बराबर 1 रखेंगे तो ये 4, ये 9 × 4 = 13 और ये 6 × 7 = 13, यानी 13 माइनस का 13 प्लस का ये 0 हो जाएगा, यानी x माइनस 1 इसका क्या है, इसका गुणनखंड है, ठीक है, तो जो हमारा x माइनस 1 है वो इसका एक गुणनखंड है। तो आगे बढ़ते हैं हम, जब इसका गुणनखंड निकाला गया तो फिर हमने यहाँ शेषफल प्रमेय लगा करके इसका एक और खंड निकाला जो कि हमारा ये आया भाग, ये तो जानते ही हम कि त्रिघात समीकरण कैसे सॉल्व होते हैं, x बराबर 1 तो इसका एक सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो ये इतना आने वाला है,
इसकी एक ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक सब जगह अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये पूर्ण रूप से फैक्टर एक्स का निकलेगा ही नहीं, जैसे वन आया वैसे ये नहीं आने वाला है। तो एक बार एक्स का मान कितना हो गया, एक्स का मान इसके जीरो भेजेंगे, इसको जीरो के बट्टे में भेजेंगे तो एक्स का मान कितना आने वाला है, वन आने वाला है। एक्स माइनस वन को जीरो के बट्टे में भेजेंगे तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस का 13x प्लस का 7 किसके इक्वल होने वाला है, जीरो के इक्वल। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए है, ये बी है, और ये क्या हो जाएगा, सी है। तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडररूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। माइनस बी यानी माइनस का 13 प्लस माइनस अंडररूट बी स्क्वायर 13 × 3 = 169 माइनस 4ac ac 7 × 28 अपॉन में 2a का मान देखो कितना है, 4 है। हल करेंगे तो x बराबर माइनस 13 प्लस माइनस अंडररूट में यहाँ पर गुणा कराएंगे, देखिए कितना हो रहा है, ये 4 × 8 = 32 8 × 4 = 32 के 2 3 बचा, ठीक है। और 4 × 2 = 8 8 × 3 = 11 यानी ये टोटल गुणा कराएं तो कितना आ गया, 112 आ गया। 169 से 112 घटाइए तो कितना बचेगा, ये 57 बचेगा। और 19 × 3 = 57 ये पूर्ण रूप से कोई एक संख्या का वर्ग तो है नहीं, पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, ठीक है। तो ये इतना मान आ गया। यहाँ पर x के दो मान आए हैं, पहला एक तो x का मान 1 मिला हमको, दूसरा यहाँ से निगेटिव पॉजिटिव साइन लेंगे जब तो ये मान आएगा, निगेटिव साइन लेंगे जब तो ये मान आएगा। तो ये हमारे x के मान हैं। अब इन्हीं मानों को हम कहाँ पर रखने वाले हैं, इन्हीं मानों को हम रखने वाले हैं सेकेंड डेरिवेटिव में। सेकेंड डेरिवेटिव d2 dx2 ऑफ y में सबसे पहला x का मान हमारा क्या मिला है, 1 मिला, 1 डालेंगे कितना है 12, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं 12x² प्लस का 18x माइनस का 6। तो 12 1 का स्क्वायर प्लस 18 गुणा 1 माइनस 6, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 12 × 1 = 12 18 × 1 = 18 18 × 12 = 30 में से 6 घटाएंगे 24, और जो कि क्या हमारा पॉजिटिव नंबर है, यानी कि x बराबर 1 पर फलन सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो निम्निष्ट होगा, निम्निष्ट है। आ रही बात समझ में, सेम वही चीज़ है, बस हमको x चाहिए, किसी भी तरीके से आपको x निकालना है बस। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव में x का अगला मान रखेंगे, x बराबर माइनस 13 प्लस अंडररूट 57 बटे में 8। हल करेंगे यहाँ पर 12 और फिर ब्रैकेट में माइनस 13 प्लस अंडररूट 57 और बटे में 8 का स्क्वायर प्लस का 18 एक्स का मान माइनस 13 प्लस अंडररूट 57 के बटे में कितना है 8 है ना, और माइनस का 6 ये रखना है। चलिए ये भी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम जब इसे टोटल सॉल्व करेंगे इस पूरे समीकरण को, तो ये हमारा 114 माइनस 42 अंडररूट 57 बटे 16 आएगा। अब हम यहाँ से करेंगे क्या, हम यहाँ से दो कामन लेकर के कैंसिल करेंगे, 2 × 5 = 10 और 2 × 7 = 14 2 × 8 = 16 और 21 × 2 = 42 57 माइनस 21 अंडररूट 57, मतलब अंडररूट 57 किसके स्क्वायर में आ सकता है, 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 ऐसे ही 7 × 49 8 × 8 = 64 7 × 49 8 × 8 = 64 64 ज़्यादा हो जाएगा, 7 × 49 यानी करीब ये 7 दशमलव कुछ करके आएगा, 7 दशमलव कुछ करके आने वाला है ये, ठीक है, क्योंकि 7 के स्क्वायर के बाद आ रहा है, 49 के बाद आ रहा है। तो हल करेंगे तो ये कितना आने वाला है,
21 सत्ते 7 इक्कन 7 और 7 दूनी 14 147। अब देख लीजिए यहाँ पर 147 किसका आने वाला, माइनस का, और 57 किसका है, प्लस का। यानी ये पूरी की पूरी संख्या हमें क्या मिलने वाली है, नेगेटिव मिलने वाली। तो हम कह सकते हैं x बराबर कहाँ पर, माइनस 13 प्लस अंडर रूट 57 बटे 8 पर फलन नेगेटिव मिल रहा ना, यानी उच्चिष्ट है। इसको थोड़ा आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। अब इंटर की मैथ पढ़ा है तो इतना तो आता ही होगा कैलकुलेशन। आगे देखते हैं, अब की बार चेक करना हमको कहाँ पर, ये वाला माइनस कॉमन है ना, माइनस बाहर निकाल ले रहे हैं। 13 प्लस अंडर रूट 57 बटे 8 12, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उड़ा 13 बट अंडर रूट 57 प्लस का और बटे में 8 का होल स्क्वायर प्लस का 18 गुड़ा, ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस है, यहाँ पर 18 प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 13 प्लस अंडर रूट 57 और बटे में कितना है 8 और माइनस का कितना, 6। या तो एक काम आप ऐसे ही कर लीजिए, अंडर रूट 57 का मान निकाल लीजिए और ये पूरी की पूरी एग्जैक्ट नंबर निकाल करके तब इसमें डालिए, तब तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 12, 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64 बाहर आ जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर 13 त्रियम 169 प्लस बी स्क्वायर 57 रूट हट जाएगा प्लस 2ab 13 दुना 26 अंडर रूट 57। फिर यहाँ पर माइनस का, इसे कैंसिल कर सकते हैं, ये 9 बचेगा, ये कितना बचेगा 4 से, ठीक है। अब 9 का गुणा 13 से, 13 नौया 117 और 9 का गुणा यहाँ पर अंडर रूट 57, ठीक है, ये माइनस के ही है। अच्छा, माइनस का चिन्ह हम बाहर लिए ले रहे हैं, माइनस का चिन्ह हम बाहर ही रखे हैं, अंदर नहीं ले गए, तो अंदर प्लस ही है। बटे में कितना है 4 छंग 24 माइनस का और बटे में कितना है 4। अब 4 से काटेंगे, 4 तीन 12 16 और 16 चौको 64। यहाँ पर 7 9 और 7 16 के 6, 6 और 6 12 और 1 कैरी बचा 2 और प्लस का 26 अंडर रूट 57 कितना है आगे 3 है और बटे में कितना है 16 है प्लस का। यहाँ पर 24 घटाएंगे तो 7 में से 4 गया, कितना बचा 3 बचा, ये माइनस का चिन्ह है ना, माइनस का 7 में से 4 गया 3 बचा, 11 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 9 और प्लस का 9 अंडर रूट 57 बटे में कितना है 4। 16 यहाँ पर है, 16 लाने के लिए 4 से गुणा, 4 से भाग, अब अंदर गुणा कराएंगे 226 का 3 से गुणा कराया गया था 678 आया था और 26 से कराया गया था 3 का गुणा तो 78 आया था, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, वहाँ निगेटिव था यहाँ पॉजिटिव। माइनस का चिन्ह, 4 से गुणा कराएंगे 93 का, 93 का 4 से गुणा कराएंगे तो 4 तीन 12 और 4 नवाई 36 और 1 37। अब माइनस के चिन्ह सबके हो जाएंगे ना, माइनस 9 चौक 36 अंडर रूट 57 और बटे में कितना 4 चौक 16, 16 वहाँ भी 16 यहाँ भी। अब हल करेंगे तो ये कितना होने वाला है, इसे घटाएंगे 8 में से 2 गया कितना बचा 6 बचा, 7 में से 7 गया 0 बचा, 6 में से 3 गया 3 बचा, 78 57 यहाँ अंडर रूट में 57 यहाँ पर 57 लिख दीजिए, प्लस का है प्लस का 78, यानी कि 8 में से 6 गया 2 बचा, 7 में से 3 गया 4 बचा और नीचे कितना 16, और ये पूरी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव ही तो है, कहीं निगेटिव दिख रहा है, कहीं पर भी इसमें निगेटिव का साइन नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो हम कह सकते हैं x बराबर
कहाँ पर? माइनस 13 माइनस अंडर रूट 57 बटे 8 पर। फलन निम्निष्ठ है, और यही क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला मेथड आप लगा सकते हैं वैसे, रूट 57 का मान रख करके, और रूट 57 का मान रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, बस आंसर डायरेक्ट हम रख करके ला सकते हैं। यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, और उसके आगे के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।